लेकिन दादा है अरे आसमान के तारे Come on!
सिर्फ 2500 रुपया की तो बात है, आप कैसे इंतजाम कर दीजिए। अगर मैं नहीं पढ़ पाऊंगी तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या बात है पिता, हमें देखो खाने तक जाना नहीं है, कैसे भी पहुंचिए तो चलने तरक्की है, एक काम करते हैं। क्या बात है, इसी वक्त हम ठाकुर साहब के हवेली जाकर 500 रुपये लेकर आते हैं और आपकी पढ़ाई वो पूरी जरूर तो हुई जाए। लेकिन क्या एक बात और, क्या बात है बापू, अब ताले लड़का जाते वाले तुम का आवत है कुछी। हाँ बिटिया, अरे सायानी हो जाए तो फिर आप तुम्हारा ब्याह हो जाए, गमन हो जाए, अपने घर के हो जाओ, हमारे छुट्टी पाई। लेकिन पिताजी मैं तो सोच रही थी थोड़ा सा और पढ़ लूँ तो अच्छी बात है। बिटिया जैसे घर में सायानी बिटिया हो जाती तो उसका पढ़ाई लिखाई नहीं छी लागत। क्या बात है भैया, वो दिव्या कहाँ? भैया बस आते ही होंगे। यहाँ तो समस्या है कि जब तक जब वो हमारा घोटा करता हो घर का ठिकाना नहीं है ना। बहुत तो समझाती हूँ पिताजी, मैं बहुत समझाती हूँ भैया को, लेकिन भैया चुपके से निकल जाते नहीं। चलो आओ जो अभी रास्ता बात है उससे बात करो भाई। ठीक है बाबू, खेल हम काली से तू है गवाया रे, हमारी तेरी खतरिया रे। बप्पा हमका तुम बैलंडा कहो थे और ये तीन कहो चदवैला कहो बैलंडा कहो थे और ये तुमका तुम कहो ये तीन कहो थे तो बप्पा ठीक है कहा कहो थे। अरे जब पापा का कार्य कही तो जवाब तो कहा था तेरी दुकान ले तुम्हारा पोजिशन नहीं मान देते कहीं यही कहना की बात है ना। देखो चलावा सगरी जहाज में दूसरे को ले जाए खोल दिए चलने हैं खोलने के बाकी है बप्पा छगड़ियों वाली के बात कर यही तो हो लिया हमें हवा भरी है। तुम कहे दीजा छगड़ी खोल ले जा हम छगड़ी खोल ले गए या कहूंगा भैया छगड़ी खोल ले गए और गुनाऊंगे के लड़के के साथ के डंडा डंडा गुल्ली ख्याल में पड़ गई ऐसा और छगड़ीवा सब प्रधान के खेते में चलती रहे हाँ। और प्रधान जाते कि बिजुआ साहब तो हमारी या छगड़ी सब हमारे खेते में पड़ी और गुल्ली डंडा में भरे रहे और जब गया था कि प्रधान हमारी कहती भी है लग के लहान गोटोरे चले आवे तब का बाबा तो बप्पा हम न ढाए पर की चलवत गए और सब छगड़ियन का बटोरे आगे आगे छगड़ी पीछे पीछे हम वही के पीछे प्रधान। अब बप्पा हमारी कुछ समझ में नहीं आवा हम सब छगड़ियन का बटोरे में पानी हाउद में बंद करिया यह दया थो। अरे तुम जब ठीक है कहा तो भैया अच्छा चलो छगड़ियन का पानी हाउद में बंद करे यहाँ पे तुम्हारे साथ यहाँ पे लागा
अरे संगते बच्चे ने तो बोला जावे के लिए बोल रहे हैं अच्छा बता जान गएगा के कहे ना कि वहां ताल बांध ही जाए वही बचपन अरे ये पतवा कहां का कहां बांधे बांधे नहीं बांधे बांध दिया ताल में बांध दिया या तुम कह रहे हो या पूछे रहा कि गईवा कहां चली गई तो हम कहां गईवा घर मान नहीं हुई हम ताल में बांध दिया ताल में बांध है अरे कहे ताल के किनारे बांध दो ताल के बीच में बांधे कहां पापा गलती गाया धाम में बांधी रही है कना तपस्या जाकर के कना धाम परसों नरसों के हो धाम तो होती बटर ना की तीन से तो गलती गाया धाम में मगर वहाँ पसीना से कब हो गया तब ताल में बांधी ना कि थोड़ी देर दुआ लिए और कहा तुम जाने गरमान नहीं हुई क्या हम अस्पताल ले जाएंगे लेकिन बप्पा भाई भाई हम सुना कि तुम कह रहा है कि बच्ची का काल व्याथा यही है हाँ यह बात तो बता तो कभी नहीं गया है देखो बिजू या पोजीशन बना के ना रखे जो लड़का बिटिया खातिर देखे आवे तो कई सही सलाह से नहीं है कहे कि के बिटिया बोला नहीं तो अगर लड़का बड़प्पा एक बात बताओ हां काल जब बच्ची का गया था नहीं तो का हम हो तो देखे हैं यह हो गया अरे बलनाऊ बच्ची के देखिए तुम कहां ना देखे नहीं हां भाई सही कहे कि हम का काहे देखिए कि हमारी बच्ची के हम भगवान बनेंगे हमारा हनुमान बनेंगे ही जब कहना देखे थोड़ी बच्ची का भगवान गढ़ी सही बात तो इसका गढ़ी हरचंदपुर के पत्थर गढ़ा थोड़ी शादी हुई अब तो इसका देख हम देखा पाए तो बही है का चलो ठीक अच्छा अब तक काल देखा ही है तो नाश्ता में कुछ इंतजाम करेगा पगी नहीं नहीं तो भाई है भाई ऐसा करो धर्मा धर्मा को पैसा तो है नहीं पैसा नहीं भैया तुम चले जाओ जमींदार की यहाँ कुछ पैसा ले आओ अच्छा और जब कुछ पैसा लेके हो तो नाश्ता वहाँ बढ़िया बढ़िया आइटम कर रहे साहिल के ऊपर कौन कौन आइटम कर रही हो नाश्ता वो मप्पा हम सोचे थे कि घर में बढ़िया कर ले और नलकी अच्छा बढ़िया कर ले नलकी कर ले ऐसे बढ़िया करूँ नाश्ता मारे चार चार नलकी अच्छा काम करो पैसा जमींदार के यहाँ लावे जाए थे हाँ और रही बात नाश्ते वाली हम और छुट्टी ले तो ठीक है तुम चले जाओ जमींदार की यहाँ और बच्ची हो यहाँ काल तुम का ब्याह थे ही हैं और जाओ तुम कहो ना कन्हैया का गोबर से पूरा घर लीप डालो पूरा घर लीप डालो बढ़िया सफाई भाई कर डालो काया कहाँ पर काया तो बच्चे जाते हैं कन्हैया का गोबर ले आओ कन्हैया का अरे परिया का जो आप बाहर परिया कन्हैया घर है इतनी बड़ी तो बात है पहले हाँ तो जाओ आप तुम हुआ चले जाओ तुम घर ले भी जाओ जाए अब ठीक है भैया हाँ हम जा रहे जमींदार के घर हुआ तो जैसे कितने बड़े दोस्त करके आज चलाते हैं लोग के हाँ जाओ बच्ची तुम हो जाओ जाओ ए तुम क्यों ना चले जाओ तुम क्यों ना जाने जाओ लो बड़ी चीख डाल हो जाए जाओ अब फिर जो जाओ भैया तुम हो जाओ एक बार बता दो जी भैया लगड़ी चलो भैया चीख रहे हैं और तुम कहाँ गई हो हम जाए थे पप्पा कहेंगे फिर जो आई कपड़ा सब धो डाले तो हम जाए थे इनका गेहूं होगा वही गेहूं से नहा दे हाँ चलो हाँ चलो चलिए भैया केला ले लाल होती बापे अरे परसे लाल नहीं आती राती तू वे